हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। आज हम आप सबके लेके आए बड़ी खबर जो कि आ रही है यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के नए रूल से रिलेटेड। यहाँ पे यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ नए बदलाव किए हैं, कुछ नए सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और बाकी आरक्षण वगैरह भी उसमें भी चेंज किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंज आया है, तो उसके लिए हम आपको पूरा वीडियो प्रूफ दिखाते हैं अमर उजाला की तरफ से। तो ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। अरबी, फारसी समेत कुल 5 विषय हटा दिए गए हैं। इस संबंध में आयोग की ओर से विज्ञप्ति भी जारी की गई है। इसमें पहली बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती परीक्षा में क्या क्या बदलाव है। आयोग ने टीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अब तक एक पद के मुकाबले मुख्य परीक्षा के लिए 13 अभ्यर्थियों को पास करने का निर्णय लिया है। पहले एक पद के मुकाबले 18 अभ्यर्थियों को पास किया जाता रहा है। वहीं मुख्य परीक्षा से साक्षात्कार के लिए एक पद के मुकाबले 2 अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। पहले यह अनुपात 1:3 का था, यानी एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को पास किया जाता था। आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा से 5 प्रमुख विषयों रक्षा अध्ययन, समाज कार्य, अरबी, फारसी, कृषि अभियांत्रिकी को हटा दिया गया है। वहीं पहली बार टीसीएस परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी टीसीएस सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2019 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन संरक्षक परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.upnic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी पीसीएस ईसीएफ आरएफओ 2019 के विज्ञापन में पीसीएस सामान्य चयन के लिए 300 पद, विशेष चयन के लिए 9 पद, सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन संरक्षक के 2 और 53 पदों को शामिल किया गया है। इस तरह कुल 364 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग विशेष परिस्थिति में पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। भर्ती परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, बीडीओ, आरडीओ, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जिला कमांडेंट होमगार्ड, बीएसए सहित 100 अलग अलग विभागों के पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में पीसीएस ईसीएफ आरएफओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2019 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए शैक्षिक अर्हता का निर्धारण किया गया है। परीक्षा के लिए शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। सामान्य ओबीसी के लिए शुल्क 100 रुपये और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क यानी कुल मिलाकर 125 रुपये रखा गया है। एससी के लिए 40 रुपये शुल्क और 25 रुपये ऑनलाइन शुल्क मिलाकर कुल 65 रुपये का शुल्क रखा गया है। अब आइए नज़र डालते हैं इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों पर। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख है 16 नवंबर। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है 11 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 13 नवंबर। amarujala.com। तो इसी के साथ गाइस, आपने सारी डेट्स भी देख लिया कि कब आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू है, कब उसकी लास्ट डेट है और क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कितना आरक्षण मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये न्यूज़ पहुँचे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।